अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पाकरा की बात मान दो बेटा, जाहिर है वो भी तुम्हारी औलाद देखना चाह रही है। हमारी किस्मत में जो लिखा था सो हो गया, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं। 8 लाख तक का खर्चा है, फिर ही सर्जरी हो पाएगी। 8 लाख? जी, इसका मतलब है ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं और ना ही कभी आएंगे। मैं आपको एक सिलाई इदारे का बताती हूँ, आप वहां जाकर बात करें। मैं कहीं भी रह लूं कि तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ते हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद बदलना नहीं चाहते। कहां चली गई थी तुम बेटा? कहां चली गई थी तुम? जवाब दो बेटा। मैं तुम्हारा डैडी हूं आयजा। आयजा बेटा, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि जज्बात से नहीं अकल से सोचना। मेरे जज्बात और अकल दोनों पे आयजा का असर है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। परियाल, कैसी हो मेरी जान? शुक्र है, तुम अपनी माँ का तो ख्याल आया? हमेशा ही आता है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है, वैदान से लड़ाई हुई है क्या? हाँ, वही मिडिल क्लास मेंटालिटी। तो क्या, चला गया घर छोड़कर? लेकिन कहाँ जाएगा? होंगे उसी की तरह के मिडिल क्लास दोस्त। तो फिर बात नहीं हुई? नहीं, वो कहकर गया है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। आ जाएगा, कहाँ जाना है उसने? मामा, मुझे पता है ना इसका, जिस तरह की वो बातें कर कर गया है वो कभी नहीं आएगा। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है, बस यहाँ पे बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। और वैसे भी वो यहाँ टिकेगा नहीं, वो 100% अपनी पाकिस्तान की सीट अरेंज कर रहा होगा। तो क्या तुम उसके लिए आना चाह रही हो? पता नहीं, शायद। अच्छा एक बात सुनो, आयजा मिल गई है। क्या? हाँ, उसकी एक बच्ची भी है। फिर कहाँ है वो? हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या अमर उससे मिला? गया था, लेकिन अमर के तो तेवर ही बदल गए। उसे कहे कि जब उसे हकीकत का पता चलेगा ना, तब उसे सब कुछ बदला हुआ महसूस होगा। हाँ, लेकिन उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। चले, बस अब मैं फोन रखती हूँ, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। वैसे बात सुनो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पता नहीं। अल्लाह हाफिज। ओके। Thank you.
फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये काफ़ी कॉस्टली भी है और इनकी एक मेजर सर्जरी भी होगी। अगर ये सरवाइव कर गई तो सब ठीक हो, वरना कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्जरी कितनी महंगी है, मगर आयशा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो अल्लाह के हाथ में, आप सोच लें। ठीक है, मैं अपने दामाद से मशवरा कर लूँ। जी बिल्कुल, आप मशवरा कर लीजिए, लेकिन एक बात अपने जहन नशीन रखिएगा कि ये इस कंडीशन में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके कुछ वेंस ब्लॉक हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का डॉक्टर, करें सर्जरी? जी श्योर। आयजा, आयजा, आयजा देखो, हम दोनों आ गए हैं। देखो तुम्हारी परी आज कितनी प्यारी लग रही है। आयजा, बहुत ही कर रही हूँ आपसे। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। ले पका बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अमर बेटा, तुम अभी तक घर नहीं आए? मामा वो आयजा ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन है आज। तो क्या तुम वहीं रहोगे? जी मामा, मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ। मामा का फ़ोन था, आयजा का पूछ रही था। जी सर्जरी हो गई है, लेकिन 24 घंटे तक कुछ कह नहीं सकते। परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ना बेहतर करी रहे। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो क्या घुल कर पिरा कर गई है जाते जाते, कि आज तक अमर उसकी यादों से निकला ही नहीं। मैं निकाल दूंगी उसे, आप बेफिक्र रहें। बहुत कुछ छुपाती आई हूं मैं वजदान को बचाने के लिए। अब वजदान ने मुझसे बेवफाई की है तो अब देखें मैं इसका क्या हशर करती हूं। ऐसा क्या जानती हो? आने तो दे मुझे, सारी बाजी पलट जाएगी। बस अमर भाई को समझा दीजिएगा कि इतना ही प्यार जताए जिसमें बाद में उनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शर्मिंदगी? वो तो प्राउडली कहता है कि आयजा आ गई है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं। असल बात ये है कि उसका इतना अरसा बाहर रहकर आना किसी तरह भी ठीक नहीं, और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन ये बात अमर समझना ही नहीं चाहता। मैं आ रही हूँ ना, समझा दूंगी मैं। आ जाओ, कब की फ्लाइट है तुम्हारी? इसी वीक। लगता है वो आ गया है। चले आप उसको समझाने की कोशिश करें कि
क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वो सुन लेगा ना तो शायद सह नहीं पाए। ओके बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सर्जरी हो गई? जहनी हालत कुछ बेहतर हुई? जी मामा, सर्जरी हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर तो ऐसे ही फीसें बटोरने के लिए करते हैं ये सब, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि ऐसे पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर कर भी जाए तो उनका जहनी तवाजन ठीक नहीं रहता। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी के बाद आयजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। खाना लगवा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी जब तक आयजा की कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं आएगा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो अमर, आयजा के आने के बाद। आपको ऐसा लग रहा है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। मैं भी बेटा हूँ आपका, मुझे भी अंदाजा है कि आप आयजा के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? तो इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? तो परेशानी वाली कौन सी बात है? वो इतना अरसा बाहर रहकर आई है। अपनी खुशी से नहीं, जिस हालत में वो हमें मिली आप खुद सोचें, वो कैसे घर आती? उसे तो होश ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ। तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसे अपना पता नहीं था कि वो कौन है तो लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। मामा प्लीज, आपको पता है आप क्या सोच रही हैं? मैं तुम्हें सोचने का कह रही हूँ जो तुम सोचना ही नहीं चाह रहे। मामा, आइंदा आयजा के बारे में ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अमर, अमर, मामा। अरे फरियाद, कैसी हो? बैठो। कैसी हो बेटी? बहुत कमजोर हो गई हो इतने दिनों में। पता नहीं है आपको कितना स्ट्रेस लिया मैंने। छोड़े इस बात को, तुम्हारे चेहरे से सब नजर आ रहा है, लेकिन छोड़ो ये बातें। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं अभी नहीं, बस चाय बनवा दें। अच्छा रुको। अब्दुल बेटा, चाय लेकर आना फरियाल के लिए। अरे मुझे आयजा मैडम के बारे में तो बताएं, कहाँ से मिली वो, और वो भी सही सलामत? हाँ, और वो भी एक बेटी के साथ। रात को सर्जरी हुई है उसकी, बता रहे हैं कि सुबह तक होश भी आ जाएगा। तो आपने नहीं पूछा? वो खुद ही बताएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पूछने की। अब वो उसे लेके यहाँ आएगा और वो आकर हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाएगी। बेटा पहले उसे रिकवर तो होने दो, ऐसे मरीजों का कोई भरोसा नहीं होता। कुछ भी नहीं होता ऐसी औरतों को, देख नहीं रही है कहाँ कहाँ से होकर आ गई। लीव इट, छोड़ो, तुम उसको ज्यादा मत सोचो। आप जी डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है लेकिन अभी आप इनसे बात नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है बेटा, आयजा को होश आ गया, लेकिन बात नहीं कर सकते। अंकल उन्होंने बात करने से मना किया, पर हम देख तो सकते हैं उन्हें। आप आए। वैदान से बात हुई? वो खुद करेगा, मैं क्यों करूंगी? और वो ना करे तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है उससे बात करने की। अगर जरूरत नहीं थी तो इतनी जिद करके शादी क्यों की उससे?
वो तो हो गई, मगर मैं उसके पीछे भी नहीं पड़ सकती। वैसे भी जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो मिडिल क्लास मेंटेलिटी के साथ सेल्फिश भी है। ये अंदाजा तो तुम्हें पहले भी होगा। मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वो बदल जाएगा। मेरी खुशी और मेरे मूड का ख्याल रखेगा, लेकिन वो तो हर वक्त अपने ही चक्करों में लगा रहता था। मेरे साथ होने के बावजूद भी उसको दूसरों की फिक्र रहती है। दूसरे कौन? आप सुनेंगी तो चौंक जाएंगी। ये हकीकत बहुत तल्ख है। और इसकी सजा तो मैं उसको ऐसी दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वैसे जब से तुमने शादी की जिद की है उसके बाद से तुम उसे बात बात पे सजा दिलवाती रहती हो और फिर एक तरफ प्यार के दावे भी करती हो। अगर वो मेरे प्यार की कदर करता तो मैं जिंदगी भर उसका साथ देती। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब बहुत पछताएगा वो। और वो बात क्या है? आयजा मैडम, इस सारे अरसे में वरजान के पास ही थी। क्या? हाँ। और ये बात तुम्हें पता थी? इसी शर्त पे तो उसने मुझसे शादी की थी कि ये बात हमेशा राज ही रहेगी। और तुमने हम सबको धोखे में रखा और उसकी शर्त मानकर शादी कर भी ली। इतना खुदगर्ज तो शायद हर इंसान होता है। तुम कुछ ज्यादा ही हो गई थी। एक तरफ तो तुम उसे थानों से छुड़वाती रही कि वो बेगुनाह है और दूसरी तरफ तुम्हें सब पता भी था। गलती तो हुई है मुझसे, मगर उसे सजा तो अभी भी दी जा सकती है। वापस तो उसने पाकिस्तान ही आना है। और जब ये बात अमर को पता चलेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा? वो तो उस वक्त भी लगना था, और वैसे भी उसके बुरा लगने के लिए और भी बहुत कुछ है। जी अंकल। हाँ, लगता है पाखरा बहन को आयजा के लौटने की खुशी नहीं। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मम्मा बहुत खुश हैं। खुश होती ना बेटा तो एक बार आयजा से मिलने जरूर आती, वरना कम से कम मुझे कॉल ही कर लेते। नहीं अंकल, आप देखिएगा जब वो आयजा से मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। खैर, कल आयजा मेरे साथ जाएंगी, अभी उसे आराम की बहुत जरूरत है। तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मेरे साथ रहेगी। बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब तुम्हारा दिल चाहे मिलने आ सकते हो। और अगर तुम अपनी बीवी और बेटी के साथ रहना चाहते हो तो घर बहुत बड़ा है बेटा मेरा। अंकल, मुझे इस बात से भी कोई इनकार नहीं है। मेरे लिए आयजा की सेहत और आपकी खुशी बहुत मायने रखती है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू अंकल। मैं वो जरा टेस्ट है वो करवा के तो मैं आता हूँ। हाँ बेटा, देख लो। बिल्कुल। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मामा तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगा तुमसे मिलवाने के लिए। फरियाल खुश है वजदान के साथ?
तुम्हें ये किसने बताया? अंकल ने बताया होगा यकीनन। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। मैं ये चाह रहा हूं कि हम अपने घर जाएं, लेकिन अंकल कह रहे हैं कि हम यहीं रुके। तो अब तुम फैसला करो। मैं क्या फैसला कर सकती हूँ? चलो मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ, हम यहीं रुकते हैं। अंकल भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगी। अब हम फिर वहीं से लाइफ स्टार्ट करेंगे जहाँ रुक गई थी। कैसी है अब तुम्हारी आयजा? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। याददाश्त वापस आ गई उसकी? तुम्हारा पूछ रही थी। ओ, मेरा पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? यही कि तुम मजदान के साथ खुश हो। अच्छा, तो इतनी फिक्र है उसको मेरी खुशी की, या फिर जेलसी? फरियाल प्लीज, तो ये बातें छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूं? छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, वो भी आयजा को। क्या बकवास कर रही है तुम? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। बातों में नहीं आओगे, लेकिन अगर मैं सबूत दिखाऊंगी तब तो मान जाओगे ना? क्या सबूत? यही कि वो एक अच्छे किरदार की औरत नहीं है। चुप! अपना मुंह बंद रखो। क्या हो रहा है ये सब? मामा इसे समझाए कि किसी के किरदार पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, और इसको कोई हक नहीं है कि आयजा के किरदार पर उंगली उठाए। सिर्फ इसलिए कि वो मेरी भाभी है। तुमने तो अपनी माँ और भाई की इज्जत का पास नहीं रखा। वजदान से शादी करके उसे तुम इस घर में ले आए। अबर आयजा, मैंने कहा ना, नाम भी मत लो उसका। मामा लगाम दे इसे। तुम लगाम दो अपनी जुबान पर, अपने जज्बात पर। मामा आप चले मेरे साथ, मैं आपको उस फ्लैट के ऑनर से जाकर मिलवाऊंगी जहां जहां वजदान ने उस आयजा को रखा हुआ था। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और अगर ऐसा है तो उसकी इस घर में अब कोई गुंजाइश नहीं है। यही बात तो मैं आपको कब से समझाए जा रही हूं। वो बेटी जिसे अमर साहब अपने कंधे में कब से लादे फिर रहे ना, वो उसकी नहीं है, वो वजदान की है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है ये, और साबित कर दूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। तो किसकी है? जाहिर है वजदान की है। ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है?
मामा आप उसका डीएनए करा लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मैडम अब वजदान साहब आए। इसको बोलो दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा इस घर का रुख कभी मत करे। अमर अभी तक सो रहा है? नहीं, वो तो सुबह ही चला गया हॉस्पिटल। आयजा के लिए सूप बनवा के लेके गया है और अपना नाश्ता भी साथ ले गया। देखो फरियाल बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अमर तुम्हारा भाई है। हमारी इज्जत दांव पर लगी है सिर्फ तुम्हारे एक जुमले की वजह से कि वो अमर की बच्ची नहीं है। आपकी इस बात से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं लगती हूँ आप लोगों की। आपकी इज्जत और मेरी इज्जत अलग अलग है। हो सकता है कि तुम वजदान से बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। मुझे सच सच बताओ कि असल बात क्या है। मामा मैं एक एक बात सच बता रही हूँ, वो बच्ची अमर की बेटी नहीं है। और मैं ये भी सच कह रही हूँ कि वो आयजा इस सारे अरसे में वजदान के साथ ही रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो सब आयजा की मर्जी से हुआ? इस बारे में मैं क्या राय दे सकती हूँ। अमर जी, तुमने शादी तो नहीं की ना? मेरा मतलब है दूसरी शादी। नहीं, मैंने इंतजार किया है। मैं कितना अरसा दूर रही हूं तुमसे? अब मिल गई हो तो वो मुश्किल लम्हात याद ही नहीं जो मैंने तुम्हारे इंतजार में काटे हैं। अब हम फिर से वहीं से लाइफ स्टार्ट करेंगे जहां रुक गई थी। अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूं कि तुम फिर से मिल गई। हेलो, मुझे अंदाजा था। अभी तुम्हें सिर्फ अंदाजे हैं, हकीकत नहीं पता। आप लोगों से कुछ जानना भी नहीं चाहता। लेकिन हमें जो पता है ना वो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। मैं नहीं समझता। धोखे में रहोगे। हो भी सकता है, वही दिए जा रहा हूँ। वो तुम खा चुके हो, बदला तो ले सकते हो। माफ भी तो किया जा सकता है। गुनाह बहुत बड़ा है, खुदा भी तो माफ कर देता है। मैं फोन पर बहस नहीं कर सकती, तुम घर आओ। शाम में आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। मामा की कॉल आ रही है बार बार, पता नहीं क्या बात है। आंटी मुझसे मिलने भी नहीं आई। हाँ बेटा, वो थोड़ी बिजी है। 3-4 बार मुझे फोन कर चुकी है और तुम्हारे बारे में पूछा है। आएंगे तुमसे मिलने? हाँ,
मुझे भी रात कह रही थी कि मुझे सुबह साथ ले जाना, लेकिन मैं जल्दी निकल आया। बहुत अच्छा किया। मैं कोशिश करूंगा कि रात में आऊं, वरना सुबह आऊंगा। तुम आराम करो और हिना मैडम को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। अंकल मुझे इजाज़त है, मैं इसके लिए जाना है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत प्यार करता है मर्दम से। मैं भी करती हूँ डैडी। बेटा बहुत परेशान था तुम्हारे जाने के बाद। डैडी आप उससे पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ थी, कहाँ रही, किसने मेरा ख्याल रखा? बेटा पूरे वक्त को याद करने से भी बहुत तकलीफ होती है, और डॉक्टर ने भी मना किया है। बेटा मैंने तुम्हें जिस हाल में देखा है, जब भी वो लम्हा याद आता है तो मेरा कलेजा फटने को आता है, और फिर मैं क्या पूछूं तुमसे, किस मुंह से पूछूं? रहने दो बेटा, तुम भी पिछले सोचो, तुम आ गई ना, हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आई। इसको भी तो लेकर आए हो साथ अपने। डैडी क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? बेटा बेटा मैं सोच रहा हूं कि इसकी कितनी शक्ल मिलती है हमारी शीजा। शीजा शज़ा का बच्चा। हाँ बेटा, शीज़ा की बेटी। हाँ डैडी, शज़ा माँ बनने वाली थी ना। उसकी एक बेटी भी थी। वो वजदान के पास है। कहाँ है वो वजदान के पास है? वजदान के पास? लेकिन वजदान ने तो शादी कर ली है फरियाल से। हाँ वजदान ने तो फरियाल से शादी कर ली है। डैडी वो बच्ची कहाँ गई? वो बच्ची कहाँ है? बेटा ये तो फिर वो ही बताएगा। डैडी मुझे शीजा की बेटी चाहिए, मुझे वो बच्ची चाहिए। वो मेरी शीजा की आखिरी निशानी है। मैं पालूंगी उसे, मैं उसका ख्याल रखूंगी, मुझे वो बच्ची चाहिए। हाँ बेटा मैं बात करूंगा वजदान से, तुम फिक्र मत करो। हमारी शीजा की बेटी है, हम ही पालेंगे उसे। लेकिन लेकिन तुम जरा भी मत सोचो, फिलहाल तुम आराम करो, ठीक है बेटा?
आप आने पे इतना जोर क्यों दे रही थी? खैरियत तो नहीं कह सकते, खासकर उस मसले में जहाँ इज्जत दांव पर लगी हो। अगर आप आयजा के वापस आने को लेकर बात कर रही हैं तो प्लीज मना। पूरी बात तो सुन लो पहले। तुम्हें पता भी है कि इस अरसे में वो कहीं भी नहीं, सिर्फ वजदान के पास रही है। वजदान से तो फरियाल ने शादी कर ली है, इसका मतलब है वो सब जानती थी। इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन वजदान ने उसे बेवकूफ बनाए रखा। वो कैसे? उसने फरियाल को ये पता भी लगने नहीं दिया कि वो बच्ची जो साथ लाई है वो उसकी नहीं बल्कि वजदान की है। क्या कह रही है मामा? फरियाल झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है वो आयजा पे। मुझे पता है आयजा ऐसी नहीं है, मेरा दिल कहता है ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है 100%। मगर मैं तो इसे सच साबित कर सकती हूँ। मगर क्या तुम इसे बकवास साबित कर पाओगे? क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत मेरे पास है, मगर तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सबूत ढूंढो। देखा मामा, ये झूठ बोल रही है, ये मुझे और आयजा को अलग करने की साजिश कर रही है। कोई सबूत नहीं है इसके पास। अगर मैं तुम्हें सबूत दूंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए तुम खुद सबूत ढूंढो, डीएनए कराओ अपनी बेटी का।